हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली आज है शैतान का रिजल्ट, तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं इसका रिजल्ट लेने के लिए। भगवान जाने क्या करके आया, मेरे को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है, फिंगर क्रॉस। कल से मुझे वॉमिटिंग भी इतनी ज़्यादा हो रही है, टेंशन में मेरे को एक्चुअली होते ही है। ये अपने टाइम पर भी रिजल्ट हो या पेपर आता तो घबराहट जैसी होती ना, वैसी ही है। और इसका आ जाएगा तो भगवान जाने क्या करके आया है, देखते हैं। अभी स्कूल जा रहे हैं, वहाँ जाके रिजल्ट लेके आते तो आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी, है ना? है ना? हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है मेरा हाथ बार बार। ये देखो, हिलाओ मत, हिलाए क्यों जा रहे हो? मैं स्कूल जाके तो शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं फ़ोन वंश को दे के जा रही हूँ, फ़ोन लेके नहीं जा रही। तो आके मैं आपको ज़रूर इसका रिज़ल्ट आप सबको दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ स्कूल से आने के बाद। और आजकल वीडियो में इतनी ठक 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 की मेरी आवाज़ आती होगी ना, क्योंकि पड़ोस वाले मजमार जो साथ वाला घर, उसमें घर बन रहा, पूरा दिन इन्होंने ठक 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 लगा ही रहता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। हम इसका रिज़ल्ट लेके आ चुके हैं, इस भूत का रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट तो अच्छा करा है इसने, आपको भी दिखाती हूँ। तो ये है इसका रिज़ल्ट, और यहाँ मैंने फिंगर रखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर ना एड्रेस शो हो जाएगा इस वजह से। तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा करा है, बस मैम ने बोला कि हिंदी में थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन का थोड़ा इशू था, तो हो जाता है। हिंदी थोड़ा, हिंदी टफ भी है। तो बाकी में ये कह रहे हैं मैं भी कुछ बोलूँगा, क्या बोलो? तुम्हारा रिज़ल्ट ही दिखा रही हूँ, बोलो। एम नहीं आया, ए आया। ए तो ए लेटा, वेरी गुड। कह रहा मेरा ए आया है, एम नहीं आया। इसको पता नहीं है, मतलब ठीक है ग्रेड वगैरह का, उसको लगा कि एम गंदा होता है, ए है तो अच्छा है। सुनाओ अबे, पहले ये बताओ आपकी जो इतनी हाइट लंबी हो रही है, इसका क्या करें? कुछ कर सकते हैं? वो बलाई चल दो मैं और बड़ा कर दे। नहीं पता है, मैं आज हम गए जब उसका रिजल्ट लेने, तो इसकी मैम कहती कह रही इसकी एज ज्यादा है क्या, इधर तो देखो। तो मैम कह रही है कि इसकी एज ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं मैम, एज ज़्यादा दिया, हाइट ज़्यादा है। कह रही हाँ, जब ये फर्स्ट डे स्कूल आया तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि हम इससे बार बार नाम पूछ रहे थे कि दूसरे क्लास में तो नहीं आ गया। अब वाकई में इसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। हम जब रिज़ल्ट लेने गए ना, जो फर्स्ट क्लास के बच्चे निकल रहे थे वो भी इससे हाइट में छोटे थे। अब भैया हाइट का तो हम कुछ कर नहीं सकते, कम हो तो कहते कि लटको जो करो। अब हाइट बढ़ गई है तो उसका क्या करें, कुछ नहीं। जिस वजह से ये देखो पूरा का पतला होके बैठा हुआ है, हाइट भी सारा इसका जा रहा है, इतना लंबा हो चुका है। और कहते और लंबा होना है मुझे पापा की तरह, पापा को भी क्रॉस करेगा ये तो अपने। तो हमें तो इसका रिजल्ट देख के बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी इसको कंग्रेचुलेशन विश करना, चलो है ना। और आगे देखते क्या करते हैं, आपको दिख ही जाएगा वीडियो में। जा रही हूँ अपने लिए कुर्ती लेने के लिए, और फिर देख के नवरात्र आ रहे तो माता के लिए भी ड्रेस लेनी है, तो मैं लेती हूँ तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो पहले कुर्ती ले लेती हूँ, फिर आप समझते हो अगर वहाँ सोच कर सके तो शुरू करूँगी। कोचिंग गई थी, कोचिंग से आते हुए मैं जा रही हूँ, तो आ गई है शॉप। मेरे को डाउट था कि ओपन है कि नहीं है, बट आज खुली हुई है, तो चलते हैं। आ चुकी हूँ शॉप लेने के लिए। हेलो भैया, सो मेरे को आप कुर्ती दिखा दो मेरे साइज का। भैया के पास सारे साइज अवेलेबल होते हैं बड़े से, और रेट बहुत रीजनेबल है। हाँ जी, ये देखिए सर। और प्राइस क्या भैया बताओ? 250 में। मटेरियल भी बहुत अच्छा होता है, मैं तो भैया से ही लेके जाती हूँ। और एक उस दिन आपने दिखाया था ना, ये देखो ये, इसके क्या प्राइस है? इसमें साइज मिलेगा 38 से लेके 50 तक, बताओ। छह साइज मिल जाएंगे। और इसमें प्राइस 300 में, इतनी बड़ी साइज और कपड़ा भी बहुत अच्छा है। ये देखो फ्रेंड्स, ये सारे 300 के हैं। 300 और 250 में काफी वैरायटी मिल जाएगी। ओके, और भैया के पास प्लाजो सूट सब भी रहते हैं, उनके रेट क्या भैया सूट प्लाजो सेट्स वगैरह के? 500 से स्टार्टिंग है। बताओ 500 से स्टार्टिंग है, तो चलिए अब हम इसके अंदर आपको कॉटन की वैरायटी मिल जाएगी हमारे पास। ठीक है, इस तरह कलर मिल जाएंगे सारे।
हाँ 6 कलर होंगे, साइज 38 से लेकर 46। आपने मुझे अपना इसमें मिलेगा 48, 50, 52 सर। बताओ इतने बड़े बड़े साइज भी अवेलेबल है। ये कितने के? 300 रुपीज़। 52 साइज तक मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं ले लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा लिया। कुर्ती ले चुकी है, पजामा भी लिया मैंने, घर जाके दिखाऊंगी। अब मैं माता के कपड़े ले लेती हूँ, उनकी शॉप भी खुली हुई है तो माता जी के भी कपड़े देखती हूँ, क्योंकि बाद में लो ना फिर कलेक्शंस ख़त्म हो जाती हैं, पहली ले लेती हूँ, है ना। कितने की है? 125 है, 110 रुपये। ओके, और माता के कपड़े भी ले चुकी हूँ मैं। अब मैं जा रही हूँ एक और मार्केट सुभाष नगर में। एक्चुअली मैंने जो नाक में जो पहनती थी मैं, उसका पीछे का जो क्या कहते हैं उसको लॉक कहते हैं जो भी, वो गिर गया है, तो बिना उसके अच्छा नहीं लगता पहने हुए, इसलिए मैंने कहा आज सारे काम ही निपटा के घर जाती हूँ। तो अभी मैंने माता के केवल 4 जोड़ी कपड़े लिए, क्योंकि और उनको पसंद नहीं आ रहे थे, तो आगे देखती हूँ किसी और शॉप से बाकी नवरात्रों में ही खरीद लूँगी मैं, और नवरात्र के और सामान तो लेने ही हैं। तो सब सामान ले चुकी हूँ, अब जा रही हूँ घर, और घर चल के ही बात करती हूँ। मम्मी गले में डॉगी और मैं बहुत डरती हूँ, इतनी बुरी हालात हो रही थी, चारों तरफ बस मकान ही बने जा रहे हैं। खुल जाती है, चलते हैं ऊपर, आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। सो मैं घर आ चुकी हूँ और मैं आपको सामान दिखाती हूँ जो जो मैंने अभी परचेज किया है। यानी कि मैं अभी 4 जोड़ी ड्रेस लाई हूँ, एक पिंक कलर में लाई हूँ, एक लाई हूँ येलो, वंश की आवाज़ आ रही होगी आपको, ये है रेड, और एक और लाई हूँ ऑरेंज। अभी आगे और भी लेके आऊँगी, अभी ये पसंद आया ये लेके आई, और सुनार के वहाँ से मैं अपने नोज पिन का जो लॉक होता है वो भी, डार्ट कहते हैं जो भी कहते हैं, वो भी ले आई। और मैं जो वहाँ से शूट किया था वहाँ से मैंने एक ये पजामा लिया है, और ये पजामा मेरे को बहुत कम रेट पर मिला, वहाँ पे बहुत अच्छे रेट में चीज़ें मिल जाती हैं, देखिए। और ये वाली कुर्ती ली मैंने, इसका मैं पिंक साइज़ देख के गई थी लास्ट टाइम, बट उसका पिंक साइज़ में, पिंक कलर में साइज़ ख़त्म था, तो मैं ब्लू ले आई। और एक मैं लेके आई हूँ इयर रिंग्स, ये देखिए। एक्चुअली जो मेरी गोल्ड वाली चेन जो सुई धागा वाली इयर रिंग थी वो मेरी ना टूट गई है, तो मैंने कभी टेम्प्रेरी पहनने के लिए वाली ले आई। और एक और गोल्ड के पड़े हैं, वो ना बहुत बड़े वाले हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, सो ना तो वो बहुत चुभते हैं, तो वो बस केवल साड़ी वाड़ी जब वेयर करती तभी वो पहनती हूँ मैं, तो मैं बैठी रख देती हूँ। मेरे जो डेली यूज़ वाले थे वो टूट गई चेन उसकी, तो वो जब तक ठीक होएगी तो मैं क्या तब तक के लिए ये ले पहन लेते हैं। बस इतने से शॉपिंग करके आई हूँ आज, बल्कि बाद में। तो आप लोगों को जैसा पता है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा गया है, और इसको हमने प्रॉमिस किया था कि मतलब पिज़्ज़ा वगैरह या जो भी मैगजी जो भी इसको पसंद है वहाँ लेके जाएंगे। तो इसमें क्या है, मेरे को डोमिनोज जाना है तो डोमिनोज जा रहे हैं, और मॉल का भी बोला था बट वो विक्की के साथ जाऊंगी, विक्की आज थोड़ा फ्री नहीं थे इस वजह से, मैं कहा चलो पहले हम इसको पिज़्ज़ा खिला के लाते हैं, है ना। सॉरी ये तो गार्लिक ब्रेड पसंद करता है, तो चलते हैं पहले डोमिनोज फिर वहाँ चल के मिलते, बोल दो हाय कर दो। हम डोमिनोज तो चलते हैं फिर वहाँ चल के मिलते हैं। हम आ चुके हैं डोमिनोज और हम ऑर्डर भी दे चुके हैं, अब हम अपने ऑर्डर का वेट करें जो कि बहुत टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट। ऑर्डर आता फिर मिलते हैं, है ना।
ऑर्डर हमारा आ चुका है, अब हम खा लेते हैं, उसके बाद अब हम मिलते हैं। देखो वंश के शॉर्ट लग रहे हैं। ओए हीरो, आ चुके हैं और हमने आइसक्रीम मंगाई है, तो सब आइसक्रीम भी खा रहे हैं। तो इसी के साथ ही मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तो बाय बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।